शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों, स्वजनों, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से अपने देश के शिक्षक समुदाय को नमन करती हूँ। आज पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत 45 शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। इस समारोह के प्रभावी आयोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अनेक प्रयासों के लिए मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम को प्रशंसा करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहां तक पहुंच सकी हूं उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूं। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूं कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंद इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है जहाँ गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं झारखंड के स्कूलों में जाती रही। मैं राज्य के अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गई। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से ऐसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी, उन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साह भी बढ़ा। प्रिय शिक्षकगण, आज की
नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माताएं ही हमारी जीवन के आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारी जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूँगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक और सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे और ये बात गौर करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वह समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वह नहीं समझे थे। अंत में ये स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें कमजोर विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापक ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जा कर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और उल्लेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मेडिकल टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एक आदर्श शिक्षक में चारों बातें होती है। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। प्रिय शिक्षकगण, हमारे देश में जो वाद विवाद संवाद की संस्कृति को महत्व दिया जाता था, तो हमारे देश में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मी मिहिर, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और चिकित्सक सामने आए। आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक भी उनके ऋणी हैं। आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की तथा शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने तथा शंकाओं का समाधान करने से आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा शिक्षक सदैव नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भी उत्साहित रहता है। प्रिय शिक्षकगण, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है।
भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस राष्ट्रीय प्रयास से देश के सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। हमारी शिक्षा नीति में समाहित यह सोच महर्षि अरविंदो के शिक्षा संबंधी विचारों के अनुरूप है। श्री अरविंदो के विचारों से प्रेरित शिक्षण संस्थानों द्वारा गहरे मानवीय मूल्यों तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समन्वय करके होलिस्टिक लर्निंग का प्रसार किया जाता है। भारतीय चिंतन के अनुसार उन संस्थानों में विद्यार्थियों की शारीरिक भावनात्मक मानसिक और आध्यात्मिक आधारशिला का निर्माण किया जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ, आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।